अपने टेस्ट पेपर छोड़ दीजिए, टेस्ट पेपर छोड़ दीजिए, हम समाज कर रहे हैं और हम अंतिम समाज में थे। कॉपी में आपने समाज के छह भेदों के नाम लिखे, नोटबुक पे आपने समाज की डेफिनेशन लिखी, फिर छह भेदों के नाम लिखे और उनके आगे जो कुछ था। आपकी कॉपी मैं खोल दूं बेटी आपके, और आप सामने क्या कर रही है, यू आर एकॉम्पनिंग देम, वेयर्स योर नोटबुक। आधा शरीर तो आपका पीछे को मुड़ा हुआ है कि उनको पूरी अटेंशन देनी है मुझे। हमने छह भेदों के नाम लिख दिए थे। तीसरा किस बारे ठीक करो, तीसरा वर्ड है तीसरा नहीं है, यू हैव रिटन तीसरा, कोई तीसरा प्रधान, कोई तीसरा प्रधान। बेटे आप उठ गई, अभी आइए आइए। तो हमने कॉपी पे सारे नाम लिख दिए। आज लास्ट में आपको समझा रही हूँ, दैट इज अव्यय भाव समाज। अव्यय भाव समास में मैंने कल जो आपको बताया था सिर्फ इतना था कि यथा वाले सारे शब्द, बे वाले सारे शब्द, भर वाले सारे शब्द, प्रति वाले सारे शब्द, रिपीटेड वर्ड्स, रिपीटेड वर्ड्स एंड एक चीज और दिमाग में भी आई थी, आ वाले सारे शब्द। डेफिनेशन में था जिसका प्रथम पद प्रधान हो। अव्ययी में हमेशा पहला पद प्रधान होता है, ठीक है, लेकिन हमें इतनी डेफिनेशन समझने की जरूरत नहीं है। हमें अगर ये एक दो तीन चार पांच छह चीजें पता हो तो हम फटाफट दूर से पहचान लेंगे ये अव्ययी भाव समास है, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल्स में दे रही हूँ, यथा वाले कैसे, यथाशक्ति, यथामति, यथोचित, यथा जिसके आगे लगाओ, यथाशक्ति, यथामति, यथोचित, ये कैसे हुआ। चलिए पहले इन दो का विग्रह करते हैं, यथाशक्ति यथामति। यथा मीन्स जितना उचित हो, यथाशक्ति कार्य कीजिएगा, ज्यादा काम कर लेंगे तो थकावट हो जाएगी, यथाशक्ति। यथामति उत्तर दीजिए, जितना दिमाग है उतना उत्तर दीजिए, फालतू दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है, जितनी समझ है उतना उत्तर दीजिए, ठीक है। बच्चों वाली समझ है तो आप बच्चों वाला उत्तर देंगे, मैं बड़ों वाली समझ रखती हूँ तो मैं बड़ों वाला उत्तर दूंगी। यथामति यानी इसका विग्रह होता है शक्ति के अनुसार, मति के अनुसार। बच्चे ये एज है, आप लोगों की आंखें चलती हैं मैं मानती हूँ, पर प्लीज थोड़ा सा पढ़ाई के समय कंसंट्रेट कीजिए, डोंट इग्नोर मी। मैं मानती हूं ये उम्र है आंखें चलाने की, इवन देन उसके साथ साथ ये कार्य भी जरूरी है। यथा मति, मति के अनुसार, यथोचित। अब इसमें संधि हुई हुई है, देखिए दो शब्दों की इससे संधि आती है ना, उस शब्द को आराम से अलग कर सकता है। सुन ले संधि किसे कहते हैं, संधि में ओ बना हुआ है यानी आ और उ की संधि है ना, यथा और उचित। तो क्या इसका विग्रह होगा, जितना उचित हो, है ना, या फिर औचित्य के अनुसार, वो मुश्किल हो जाएगा अनुसार में करने बैठेंगे तो। उचित का औचित्य भाववाचक संज्ञा नहीं, जितना उचित हो, ओके, ठीक है। यथा वाले सारे शब्द, ऐसे बहुत से शब्द हो सकते हैं, बहुत से शब्द। आई हैव गिवन यू थ्री एग्जांपल्स ओनली, ओके। देन बे वाले, बेकार, बेनाम, है ना, बेकायदा,
किस तरह, जो भी वर्ड बे के साथ हो, ठीक है। बेकार मीन्स बिना काम के, बिना, हाँ हाँ, बेमन, बिना मन के, बहुत से वर्ड हो सकते हैं बस। हाँ जी, बेईमान, बेईमान, ईमान के बिना, ईमान, ईमान मीन्स ऑनेस्टी, ईमान के बिना, ओके। आगे भर, भरपेट, तकरीबन भरपेट ही आता है इसमें, बहुत ज्यादा वर्ड नहीं आएंगे, ठीक है। भरपूर, जो चीज भरी हुई हो। प्रति वाले तो बहुत से वर्ड है, प्रतिदिन, प्रतीक्षण, प्रतिपल, हाँ प्रतिकूल, ठीक है। प्रति वाले बड़े शब्द आ जाएंगे इसमें। देन रिपीटेड वर्ड्स, अब रिपीटेड वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, नगर नगर में घूमकर उन्होंने प्रचार किया, ठीक है। चीज हाथों हाथ बिक गई, हाथों हाथ बिक गई चीज, पहले समझ लो बेटा, जो रह जाएगा ना बाद में कर लेना, आप एब्सेंट पे कोई बात नहीं, ठीक है। चीज हाथों हाथ बिक गई, बिक गई नगर नगर घूम के, क्षण क्षण वो मुझे तंग करता है। रिपीटेड वर्ड्स, हर क्षण मुझे तंग करता है, ठीक है। दिनों दिन, दिन प्रतिदिन, डे बाय डे, रातों रात, रात ही रात में, मतलब ये दो विग्रह अलग होंगे, दिनों दिन और रातों रात, बाकी सारे नगर ही नगर में, गांव ही गांव में, गांव गांव, हाथ ही हाथ में, हाथों हाथ, क्षण क्षण, क्षण ही क्षण में, ठीक है, ओके। सिर्फ दो अलग होंगे, रातों रात और दिनों दिन। रातों रात मैंने रातों रात बैठ के काम किया, मतलब विद इन वन नाइट मैंने काम किया, रात ही रात, दिनों दिन, डे बाय डे, दिन प्रति दिन, ओके। ये विग्रह थोड़ा सा अलग होगा, बाकी अगर रट्टा लग जाए कि ये पांच तरह के वर्ड्स आने हैं तो आराम से आप कर सकते हैं। अब हाँ, इसी में अव्ययी में, ये सारे अव्ययी वाले बता रही हूँ, हाँ रिपीटेड वाले, ठीक है। आ वाले, अब आ का आप समझिए लॉजिक बेटे, अ होता है नेगेटिव, अ हमेशा नेगेटिव होता है, और जैसे ही हम आ कहते हैं ना तो ये पॉजिटिव हो जाता है, अनेगेटिव, जैसे अधर्म, अन्याय, ठीक है, अ से नेगेटिव होता है सारे, अनीति, अनीति नहीं उठाओ ना, अनीति, जहां नीति की बात ही ना हो, अनीति, अनेगेटिव हो जाता है। इसमें अ वाले वर्ड नहीं आने बेटे, आ वाले सारे आने, जैसे आजन्म, आमरण, आजीवन, आसेतु, आपूर्ति, मैंने बहुत से वर्ड बोल दिए, आजीवन, आमरण, आसेतु, आपूर्ति, आमरण, मैंने आमरण सच बोलने का व्रत लिया मरने तक, जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक मैं सच बोलूंगा, आमरण, ठीक है। आजीवन, जीवन भर, जीवन भर जब तक मैं जिंदा रहूंगा, जीवन भर, ठीक है। आजन्म, सोच के बोलना, हाँ जन्म तक, फिर उसके बाद की जनांगे, बेईमान, जन्म तो हो चुका हमारा, बहुत साल हो चुके, हाँ जन्म से लेकर, इनका विग्रह एक जैसा नहीं होगा क्योंकि वर्ड्स मतलब सेम है ना, जन्म से लेकर, आ जन्म, जन्म जब से हुआ है मेरा तब से, आ जन्म मैंने कभी भी नॉनवेज नहीं खाया, ठीक है, जन्म से लेकर मैंने कभी नॉनवेज को हाथ नहीं लगाया, आज जन्म, ठीक है। आज सेतु, अगर सेतु, हाँ ब्रिज, राम सेतु, आज सेतु, सेतु तक, पुल तक, ओके। आपूर्ति, समझ गए होंगे अभी तक, पूर्ति तक, आपूर्ति, जब तक इस चीज की आपूर्ति नहीं होती, जब तक इसकी फुल, जब तक वैक्सीनेशन की आपूर्ति नहीं होती तब तक खतरा बना रहेगा,
जब तक वैक्सीनेशन की आपूर्ति नहीं होती, फुलफिल नहीं होता, सबको 100% नहीं लग जाता, 51% लगा अभी तक, है ना, वैक्सीनेशन की आपूर्ति तक खतरा बना ही रहेगा। आपूर्ति, ओके, ये सारे वर्ड्स अभी काम में आते हैं, तो हमें क्या याद रखना होगा, दीज वर्ड्स, ये हमें अव्ययी भाव समास बताते हैं। और डेफिनेशन अव्ययी की क्या हुई, इन वन वर्ड जिसका पूर्व पद प्रधान है। अब देखो ना, इनमें मैंने लिखा आज जन्म, आजीवन, आमरण, प्रधान, तो आई है ना, आई है ना, देखो जन्म से लेकर जीवन भर, इंपॉर्टेंस इसी की है ना, जीवन की बात नहीं, मृत्यु की बात नहीं, इंपॉर्टेंस पहले इसी की है। थोड़े मुश्किल होते हैं, मैं नहीं कहती कि बहुत आसान है समास, थोड़े मुश्किल होते हैं, पर अगर हम अपना कॉन्सेप्ट खुला रख के इसे करें और प्रैक्टिस करें तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है समास। हमेशा याद रखिएगा, समास हिंदी शब्दों में नहीं, संस्कृत शब्दों में होता है, ठीक है, संस्कृत शब्दों में समास होता है। इवन दो यू आर यूजिंग समास इन पंजाबी ऑल्सो, बट समास जो है हमेशा संस्कृत शब्दों में होता है, ठीक है, ये हिंदी का और पंजाबी का विषय ही नहीं है, संस्कृत शब्दों का है समास हमेशा, इसमें सिंपल वर्ड्स नहीं होते, ठीक है। हमारे हिंदी जो है ना बच्चे, चार तरह के शब्दों से मिलकर बनी है, तत्सम, तद्भव, गद्दी तो है, सेटल बैठ के तो गद्दी लगेगी, जैसे मैं पहचानती हूँ ना आपके कहे हुए शब्द बच्चे, आपकी आंखों की भी मोशन पहचानती हूँ, वो देखो उसको साथी भेज दिया मैंने तो सो गया, मैं आपकी सारी फीलिंग समझती हूँ बच्चे, वैसे ही आपको भी मेरी फीलिंग समझ ली, इस समय मैडम सीरियसली पढ़ा रहे हैं तो हमें सीरियसली पढ़ना है, कोई बात नहीं, आई एम क्वाइट वेल, नो प्रॉब्लम, क्योंकि जो चीज करवाई जा रही होती है सबका विषय नहीं होता। हाँ, मैं क्या बता रही थी, हाँ, तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी, हमारे इन चार प्रकार के शब्दों से बेटे हिंदी बनी है। जर्नल है कहीं आना नहीं है, जर्नल इन चार शब्दों से बेटे हिंदी बनी है। तत्सम, सम मींस सेम, यानी टोटल संस्कृत के शब्द हमने उठा लिए, जैसे सूर्य को हम सूर्य ही कहते हैं, कहते हैं ना सूर्य, सूर्य, आम्र, कोकिल, मयूर, आई हैव रिटन सो मेनी वर्ड्स, हाँ, ये सारे संस्कृत के वर्ड है बेटा, और एज इट इज हम हिंदी में उठाते हैं, हमारी हिंदी ज्यादा सुंदर लगती है, जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमारी हिंदी ज्यादा सुंदर लगती है, स्टैंडर्ड लगता है हिंदी का, है ना, लेकिन इन्हीं शब्दों को हम थोड़ा थोड़ा चेंज करके भी हिंदी में यूज करते हैं, जैसे सूरज को हम सूर्य कहते हैं, सूरज कहते हैं सॉरी, ठीक है ना, सूर्य को हम सूरज कहते हैं, कोई गलत नहीं कर सकता, किसी की ताकत गलत नहीं कर सकती उसे, आम्र को हम आम लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे आम रस आप पंजाबी में बोलते हैं, वैसे आम्र रस कहते हैं, आम्र रस, ठीक है, आम्र कहें, आम्र को आम कहें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो, ठीक है, कोकिल को हम कोयल कहें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मयूर को हम मोर कहें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी थोड़े थोड़े संस्कृत के शब्दों को चेंज कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। लंदेशी इधर उधर से उठाए, जैसे खिड़की हमारी हिंदी का वर्ड ही नहीं है, आलू हमारी हिंदी का वर्ड ही नहीं है, है ना, ये शब्द हमने रीजनल लैंग्वेजेस से उठाए, मतलब रीजनल लैंग्वेजेस राजस्थान, मद्रास, तमिलनाडु, कहीं बोले जाने वाले शब्द जो हमें कॉमन लगे हमने उठा लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी कहती है फ्लेक्सिबल हूं मैं, चलेगा, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कि ये कहती है अंग्रेजी के शब्द भी उठा लो, उठा लो विदेशी लैंग्वेज के शब्द भी, जैसे स्कूल,
इंग्लिश वर्ड है, प्रिंसिपल इंग्लिश वर्ड है, हाँ बॉल इंग्लिश वर्ड है, कॉलेज इंग्लिश वर्ड है, यूनिवर्सिटी इंग्लिश वर्ड है, हम हिंदी में लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम हिंदी में लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, डॉक्टर को तो प्योर हिंदी में क्या कहते हैं आप बता ही नहीं पाएंगे, वैद्य, सो मैनी वर्ड्स आर देयर, सो मैनी, थोड़े से चेंज किए संस्कृत शब्दों को, हल्का सा चेंज कर दिया तद्भव, ये कहीं आने वाली चीज नहीं है, ये जर्नल समझने के लिए, हिंदी इज वेरी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज, लेकिन समास जो है वो सिर्फ तत्सम शब्दों में होता है, उसमें हिंदी का शब्द नहीं आएगा, उसमें संस्कृत शब्द ही आएंगे, और पंजाबी को तो संस्कृत वर्ड्स का पता ही नहीं है, लेकिन पंजाबी को हिंदी की बहन कहा जाता है, इसलिए वो उठा लेती है सब कुछ, सगी बहन है पंजाबी हिंदी की, इसलिए उठा लेती है, पंजाबी को हम रीजनल लैंग्वेज कहेंगे, यहाँ की पंजाबी को हम वैसे लैंग्वेज नहीं कह सकते, जैसे तमिल तमिल की लैंग्वेज है ना, मारवाड़ी एक्चुअली वहां की लैंग्वेज है, वैसे ही यहाँ पंजाब की पंजाबी है, ये रीजनल लैंग्वेज है बेटे, हाँ हिंदी नेशनल लैंग्वेज कह भी सकते हैं नहीं भी कह सकते, राष्ट्रीय भाषा तो नहीं कहते, राजकीय भाषा कहते हैं इसको, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा तो साउथ वालों ने बनने ही नहीं दिया इसे ना, नेशनल लैंग्वेज नहीं बनने दिया गया इसे, नहीं बनने दिया क्योंकि जो साउथ इंडियंस है ना, दे आर नॉट अडेप्टिंग हिंदी, वो हिंदी को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं देना चाहते, तो इसलिए नहीं, पता नहीं क्या कई लॉजिक्स होंगे, लेकिन हमारा जो पत्राचार है दिल्ली में बैठ के, हमारी राजधानी में बैठ के नेशनल लेवल पे जो भी पत्राचार होता है वो हिंदी में होता है, हिंदी में होता है, ठीक है, इसे राजकीय भाषा कहते हैं। तो ये थे समास, एक बार फटाफट रिवाइज कर लें दोबारा, आपके सामने नाम लिखे हुए देखिए, द्वंद्व समास, द्वंद्व युद्ध, बराबर के दोनों, और यहाँ पाप पुण्य, माता पिता, दही चावल, इस तरह के ऑपोजिट वर्ड्स, ओके, द्विगु, दो गायों का समूह, द्विगु, काउंटिंग वर्ड्स, ठीक है, जैसे त्रिफला, तीन फलों का समूह है ना, तिरंगा, ओके, ये सारे द्विगु में आए, उसके बाद मैंने आपको बताया कर्मधारय समास, एक विशेषण एक विशेष्य, जैसे नील गाय, महात्मा, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम है जो, इसमें है जो आता है, मुझे भी सुनाइए क्या कहानी सुना रहे हैं आप, चलिए दो मिनट और ध्यान से सुनिए, फिर उसके बाद मैं कोई कहानी सुना दूंगी, कहानियां बहुत, जितनी मर्जी सुन लेना मेरे से, रिकॉर्डिंग चलती रहेगी, रिकॉर्डिंग से बेटा दिस इज जर्नल काम चल रहा है, इसके कारण हम एग्जैक्ट जो क्लासरूम टीचिंग है ना वो नहीं बंद कर सके, और मैं तो कभी चाहूंगी भी नहीं कि ओरिजिनल क्लासरूम टीचिंग बंद हो जाए, इसके कारण कोई नहीं देखता, ये देखना चाहता है तो कोई देख ले, हम जैसे हैं क्लास में हम वैसे ही रहने वाले हैं, हम एज अ टीचर चेंज होने वाले नहीं, जो हम हैं वो है ओरिजिनल है, अपनी ओरिजिनैलिटी खोके तो इंसान इंसान नहीं रहता, जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम है जो, कर्मधारय समास, अगर मैं कहूं पुरुषों में उत्तम, ब्रैकेट में लिख दूं श्री राम, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है ना, तो बहुव्रीहि में चला जाएगा, किसी तीसरे का नाम हो गया, हाँ ठीक है, जैसे दशरथ, दस रथ हैं जिसके, कौन थे, सीता के पिता, नहीं राम के पिता, सॉरी राम के पिता दशरथ, ठीक है, कमल नयन भी ऐसे ही, कमल के समान नयन है जिसके, कौन श्री राम, तो हम कमल नयन, कमल नयन विष्णु को भी कहा जाता है क्योंकि विष्णु के ही अवतार हैं,
ठीक है, तो बहुव्रीहि में किसी तीसरे का नाम एकदंत, इंद्रजीत, इंद्र को जीता है जिसने, कौन, रावण पुत्र है ना, अलग ही नाम होता है, महान आत्मा है जिसकी, मीन्स ऑफ ब्रैकेट में नाम देने वाले हो महात्मा गांधी का या व्यक्ति विशेष लिखने वाले हो किसी भी ऐसे खास आदमी को मैं, तो बहुव्री में जाएगा। महान आत्मा है जो लिखेंगे तो कर्मधारय में जाएगा, ठीक है। जैसे पीतांबर, पीला अंबर है जो, तो कर्मधारय में, पीले अंबर है जिसके, कौन है भाई, श्री कृष्ण, तो हम किस में लेके जाएंगे, बहुव्रीहि में। श्वेतांबर, श्वेत अंबर है जो, श्वेत होता है वाइट, तो हम लेके जाएंगे कर्मधारय में। और अगर मैं कहूं श्वेत अंबर है जिसके, तो मुझे पता होना चाहिए कौन है चिट्टे कपड़े वाला। श्वेतांबर किसे कहा जाता है, भीष्म पितामह को, भीष्म पितामह को कहा जाता है, तो फिर आ जाएगा बहुव्रीहि। अच्छा, अब अगर देखो मैं इसे थोड़ा और टफ कर रही हूं, अगर आ गया श्वेतांबरी, अब हम इसे कर्मधारय में नहीं ले जा सकते क्योंकि पीछे ई की मात्रा लगी, मानी रह गया, जो मैंने बोला मैं दोबारा नहीं बोलूंगी पक्का। पीछे ई की मात्रा लग गई, श्वेतांबरी मींस आई एम गोइंग टू इंडिकेट ओनली वन लेडी, श्वेतांबरी। अब वो मैंने श्वेतांबर है जिसके नहीं ले जा सकती, सॉरी श्वेतांबर है जो नहीं ले जा सकती, तो मैं श्वेतांबरी मीन्स श्वेत अंबर है जिसके, ये किसी स्त्री की बात हो रही है, किसी औरत की बात हो रही है, तो औरत में जाएगा या गंगा या फिर सरस्वती, या गंगा या सरस्वती, श्वेतांबरी है दोनों, गंगा और सरस्वती के दोनों के सफेद वस्त्र होते हैं। जब ई की मात्रा पीछे लग जाती है ना, जैसे अष्टाध्याय, आठ अध्यायों का समूह, अष्टाध्याय वर्ड है, अष्टाध्याय आठ अध्यायों का समूह, चैप्टर्स, कुछ बच्चों को लग रहा होगा पता नहीं मैडम उर्दू बोल रहे हैं या फारसी बोल रहे हैं, पता ही अष्टाध्याय, और कुछ को बड़ा मजा आ रहा होगा, और कुछ को जिनको मजा आ रहा है दे आर वेरी फ्यू, ओनली 6-7 स्टूडेंट्स कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। अष्टाध्याय आठ अध्यायों का समूह, अगर मैं कह दूं अष्टाध्यायी, अब तो एक चीज के बारे में बात कर रही हूँ, अष्टाध्यायी आठ अध्यायों के समूह वाली कुछ स्पेशल टिपिकल बुक होगी या कुछ होगी, हम उसकी बात कर रहे हैं। आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल ओनली, आपके शब्द वही आएंगे जो आपकी बुक में है, ठीक है। इसके कारण कंफ्यूज ही होना कि मैडम ने तो बहुत डिटेल में करवा दिया, दैट इज माई ड्यूटी टू एक्सप्लेन यू वेरी वेल। आपके शब्दों का कोश जो बुक में है ना वही आएगा, जितने बुक में है बस, उससे बाहर नहीं जाएगा कुछ भी। पेपर के लिए स्टिक टू योर बुक ओनली, ठीक है। अब मुझे कहानी सुनानी है, कोई कहानी चलेगी, या आप अगर कुछ चाहते हैं तो वो चल सकता है। कल पीरियड होगा हमारा, होगा ना, तो कल हम समास के ही रिटन प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ा सा, यानी ज्यादा नहीं करवाऊंगी कल के लिए, पहले बता दूं, 5-6 समास विग्रह करके भेद बताएं और 5-6 समास समस्त पद बनाएं और भेद बताएं, ठीक है, पेपर में आने वाला स्टाइल कर लेंगे। अब मुझे कहानी सुनानी है। हाँ, तत्पुरुष में हमेशा कारक के चिन्ह होते हैं, मैंने कहा मैं सम अप कर रही हूं तो सबकी बातें शुरू हो गई, नहीं थोड़ा क्वेरी है अभी बच्चे, तो कल कहानी से शुरू करेंगे, प्रॉमिस तो मैं निभाती हूँ। तो बेटे तत्पुरुष समास में बच्चे कारक के चिन्ह होते हैं सारे, लेकिन कारक के जितने चिन्ह, 6 कारक करवाए हुए ना आपको, कर्ता ने, नहीं 3-3, 6-7-8 मैंने हिस्सों में करवाए थे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई, संबंध काके की रारिणी अधिकरण में पर संबोधन नहीं हुआ। 3-2-3 अगर याद हो आपको तो, मानी आपको याद है कारक मैंने ऐसे करवाए थे बेटा, 3-2 and 3, ठीक है। तो ये जो 3-3-6 और 2 बीच में थे,
इनमें से सिर्फ ऊपर वाला कर्ता इसमें नहीं आएगा कभी भी, संबोधन इसमें कभी नहीं आएगा। तो दो दो चार दो छह आ सकते हैं, ठीक है। अब यही में कारक नहीं आते दो, अब यही में तो ये पढ़ रहे हैं ना बेटा, तत्पुरुष में कारक आते हैं। विद्यालय है इसका पार्ट, विद्या के लिए आला है, तत्पुरुष का बच्चे विद्या के लिए आला है। कमल नयन श्री कृष्ण को कहा ही नहीं जाता, कहा ही राम को ही कहा जाता है, क्योंकि राम को कमल नयन क्यों कहा जाता है इसके पीछे पूरी कहानी है। जब समुद्र, जब समुद्र को रिक्वेस्ट कर रहे थे श्री राम जी, ओए विद इन टू मिनट्स कहानी एक कवर हो जाएगी। जब श्री राम जी समुद्र के किनारे बैठकर विनय कर रहे थे कि हे समुद्र देव मुझे रास्ता दो, ठीक है, तो उन्होंने वहां पे देवी माँ को 101 कमल चढ़ाने का प्रण किया था। तो देवी माँ ने उनकी परीक्षा लेने के लिए 100 कमल वो चढ़ा चुके थे, एक कमल गायब कर दिया था। अब उनको 101 कमल ही चढ़ाना था, तो उनकी माँ उन्हें बचपन में कमल नयन कहा करती थी। तो उन्होंने कहा मेरे नयन अगर कमल के समान है तो क्यों नहीं मैं अपना ही एक आंख चढ़ा देता हूँ। तो ही डिसाइडेड टू, है ना, अपनी एक आंख निकाल के चढ़ाने की सोची। तो तब देवी ने प्रकट होकर कहा कि मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, ठीक है, इसलिए उनके नाम के साथ ये सदा के लिए हो गया कमल नयन। उनकी माँ कहा करती थी उन्हें, लेकिन उसके बाद उनके नाम के साथ हमेशा से कमल नयन हो गया। श्री कृष्ण को कहा जाता है, सॉरी श्री राम को कहा जाता है। चलिए मैं यहाँ से तो बंद कर दूँ।